नमस्कार, SPN 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। किसानों के मुद्दे पर हरियाणा की राजनीति एक बार फिर से गर्माती हुई नज़र आ रही है। उसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि कंगना रनौत का एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि फिर से केंद्र सरकार को 3 कृषि कानूनों को लागू करना चाहिए। इसको लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस तरीके से कटाक्ष किया कंगना रनौत के बयान पर, सुनिए जरा। और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपीट हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए, हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर स्मृति हो रही है, हमारे किसान की स्मृति में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर दो दो तीन तीन महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करें कि भाई हमारे जो 3 लॉस जो हम सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ती हूँ, उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉस जो है वापस मांगे। किसान है, हम खुद जमींदार फैमिली से हैं, खुद किसान है, और जिस तरह से इन्होंने मुझे जो है मेरे जो संबंध है किसानों से जो है, चाहे आप कहिए कि एक तरह से गलत खबरें उड़ा देना या उस तरह से किया, लेकिन ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं, क्योंकि भारतीय अच्छे से जानते हैं कि ये एक ही बेटी है जो अपना नुकसान करके जो है देश का लाभ सोचती है, और कोई अपना नुकसान करके देश के लाभ नहीं सोचती है। सब सोचते हैं कि भी हमारा भी फायदा होना चाहिए, फिर देश का फायदा हो जाए, तो कोई ये लड़की जो है अपना करियर इसने बर्बाद कर लिया, अपनी जो है सिक्योरिटी लेके ये घूमती है, इसकी आज जिंदगी खतरे में है। आज ये देश के लिए बोलती, देश की बेटियों के लिए और देश की जो है वो सुरक्षा के लिए टुकड़े ना टुकड़े गैंग के खिलाफ मैं अकेली खड़ी हुई हूँ, तो ये देश देख रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब मेरा जो मन है वो एक बच्चा जन जन जानता है, इसीलिए चाहे जो भी मुझे विपक्ष वाले कहें, लेकिन जब मुझ पर कोई बात आती है तो सारा देश हमेशा मेरे साथ होता है, चाहे वो शिवसेना ने मेरा घर तोड़ा हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे सताया हो, या आप जो कांग्रेस वालों ने मुझे मंडी के क्या भाव है ये कहा हो, तो देखा कि देश किस तरह से मेरे साथ खड़ा हुआ। और आज मुझे जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अगर पार्लियामेंट में भेजा है तो क्या लगता है कि वो उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं कि मेरी बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है, हरियाणा में बोले जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे, कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं आज स्टेज के माध्यम से, चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहाँ से। तो आपने सुना, यहाँ पर कंगना रनौत जिस तरीके का बयान दे रही है उस पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कटाक्ष किया है, और उन्होंने कहा कि किसानों को MSP न देने वाली भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती काले कानूनों को उनके ऊपर थोप रही है। हरियाणा का किसान और देश का किसान सजग है, सतर्क है, और भारतीय जनता पार्टी की इन कोशिशों को कामयाब नहीं होने देगा। कंगना रनौत के बयान के बाद जबरदस्त सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। हरियाणा में BJP को कंगना रनौत के बयान से चुनावी नुकसान हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।